हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे, कुशल पूर्वक होंगे, क्योंकि खुशी पूर्वक जिंदगी में रहना बेहद जरूरी है। जैसा कि सीटेट की निरंतर क्लास आ रहे थे, आज एक और बेहद इम्पोर्टेंट सीटेट का टॉपिक है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख ही रहे होंगे, बोर्ड पर लिखा हुआ है RTE 2009, मतलब राइट टू एजुकेशन। RTE मतलब शिक्षा का अधिकार 2009। इस कानून से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पहले तो यही पूछ लेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया, तो आपका जवाब होना चाहिए ये भाई 2009 में आया था। कब आया था? 2009 में। दूसरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए आए हुए हैं, तो सबसे पहले सिलेक्शन इंडिया अकेडमी चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिए। देखो, इसमें आप पहला जो हम पढ़ाएंगे आपको, 2009 में ये क्या हुआ था, पारित हुआ था, ध्यान रखना। लागू कब हुआ था ये भी अलग क्वेश्चन बनता है अपने आप में। तो सबसे पहले कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में राज्य परिवार और समुदाय की, इसमें क्या चीज है, राज्य परिवार और समुदाय मतलब किसी फैमिली या कम्युनिटी की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा के लिए क्या करेगा, शिक्षा के लिए आमंत्रित करेगा। मतलब सब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य, मतलब शिक्षा फ्री में मिलेगी 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, और फिर अनिवार्य रूप से भी मिलेगी। फ्री में तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ साथियों अनिवार्य रूप से मिलेगी। आपसे ये बात पूछी जाएगी, आखिरकार इतना फोकस क्यों दिया गया था। अगर मैं अपने संविधान में शिक्षा की बात करूं तो ये कहां पे है, तो साथियों सबसे पहले अगर हम संविधान के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे मूल संविधान में शिक्षा थी या नहीं। तो मूल संविधान में शिक्षा मूल अधिकार के रूप में नहीं थी, ये आप दिमाग में डाल लो। शिक्षा को ध्यान रखना, वर्ष 1976 से पहले शिक्षा जो थी राज्य सूची का विषय थी। क्या थी? राज्य सूची का विषय। वर्ष 1976 से पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय थी, ठीक है ना। और शिक्षा को जब 42वां संविधान संशोधन, कब 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किस सूची में डाला गया साथियों, तो इसे समवर्ती सूची में डाला गया। किस सूची में? संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसकी समवर्ती सूची में, ध्यान रखना इस चीज को। आज जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का। अगर मैं यही बात करूं तो संविधान की 7वीं जो अनुसूची है, कौन सी? 7वीं अनुसूची, उसमें 3 विषय हैं, एक तो संघ, एक राज्य और एक साथियों समवर्ती। मतलब संघ पर कानून केवल वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, इस पर कानून केवल कौन बनाएगा, तो इस पर कानून केवल साथियों केवल कानून संघ बनाएगा, मतलब केंद्र बनाएगा। वहीं इस पर कानून जो है 61 विषय हैं, इसमें ध्यान रखना इस पर कानून राज्य बनाएगा, राज्य सरकारें बनाएंगी और इस पर दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। लेकिन महत्वता यहाँ किसको दी गई है? संसद को दी गई है, केंद्र को दी गई है। मतलब राज्य और केंद्र दोनों ही एक ही सब्जेक्ट पर कानून बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से केंद्र का कानून संसद का कानून मान्य होगा। इस चीज़ को आप गौर करिए। उस समय जिस समय 42वें संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची में 5 विषय डाले गए थे। कितने विषय डाले गए थे? 5 विषय। इनमें से एक कौन सा था? शिक्षा भी था। तो उम्मीद करता हूँ तैयार हो गया होगा कि भाई शिक्षा जो है वर्तमान में किसका विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। अब हम बात करते हैं संवैधानिक तौर पर। भाई संवैधानिक तौर पर अगर मैं बात करूँ तो संविधान के भाग 3, किसमें? भाग 3। संविधान का भाग जो 3 है वो क्या है? वो फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट। मेरा कहने का मतलब मूल अधिकार। क्या कहते हैं इसे? मूल अधिकार। क्या कहते हैं साथियों इसे? तो मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं, ठीक है। मूल अधिकार का मतलब है कि ये हमारे संविधान ने व्यक्ति को दे रखे हैं, भाई सरकार हमसे किसी भी हालत में इनको छीन नहीं सकती है, हाँ इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये व्यक्ति को दिए होते हैं राज्य के विपक्ष में, राज्य ताना सहाना बन जाए व्यक्ति के, इसीलिए अधिकार दे रखे होते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप। और मूल अधिकार में ध्यान रखना भाग 3 में आर्टिकल 21 ए, क्या? आर्टिकल 21 ए में शिक्षा को क्या रखा गया है? मूल अधिकार के रूप में रखा गया है। किसके रूप में रखा गया है? मूल अधिकार के रूप में। तो अब यह ध्यान रखना, तो अब शिक्षा अनिवार्य हो गई है, ये शिक्षा देनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ आपसे पूछेगा और संविधान में शिक्षा कहाँ है, तो आप ध्यान रखना मौलिक कर्तव्यों में है शिक्षा। किसमें है? मौलिक कर्तव्य में। मौलिक कर्तव्य में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, कौन सा?
ग्यारहवां, ये मौलिक कर्तव्य संविधान में कहाँ पे हैं? तो साथियों ये भाग, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य भाग चार का में है। किसमें है? भाग चार का। आर्टिकल किसमें है? तो आर्टिकल 51 का में है। ये किसमें है? आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। तो यहाँ भी अभिभावकों को बोला गया कि भाई उनका ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को क्या दे, शिक्षा दें। ये थोड़ा सा संवैधानिक जानना भी बेहद जरूरी होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही हमने पढ़ा कि भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है उसमें ये बोला गया है कि राज्य जो है वो परिवार के साथ मिलकर के, किसके साथ मिलकर के, परिवार के साथ मिलकर के, समुदाय के साथ मिलकर के 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक तो फ्री में शिक्षा देगा और साथ ही साथ अनिवार्य शिक्षा देगा। मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? गुणवत्ता वो किस स्तर की होनी चाहिए ये भी पूछ लेगा। तो प्राइमरी शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन की बात इसमें की गई। सॉरी दोस्तों, इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कह रहा है यह अधिनियम वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधन रूप है। मतलब 2005 में एक शिक्षा के अधिकार को लेकर के विधेयक लेके आए थे लेकिन वो पास नहीं हो पाया था, उसी को संशोधन करके 2009 में इसे क्या किया गया, पास किया गया। कह रहा है वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A, जो मैंने अभी बताया था 21A के भाग 3 के 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की क्या की गई है, बात की गई है कि भाई अगर बच्चों के लिए राज्य शिक्षा नहीं देगा ना तो बच्चे कोर्ट में चले जाएंगे कि भाई हमें क्या नहीं मिल रही है, एजुकेशन नहीं मिल रही है। तो वहाँ फ्री एजुकेशन देनी पड़ेगी आपको, अनिवार्य एजुकेशन। ये एज पूछ रहे था कितनी एज वालों को, तो 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002। कहाँ पे मूल अधिकार बनाया गया? तो अनुच्छेद 21A, भाग कौन सा था? संविधान का भाग 3, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट करा, इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियमित किया गया। पूछ लेगा लोकसभा में कब अधिनियमित किया गया था ये, तो 4 अगस्त 2009 को, और कह रहा जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि भाई एक कब से लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 से RTE राइट टू एजुकेशन 2009 क्या किया गया था, लागू पूरे देश में लागू किया गया था। किसमें? पूरे देश में लागू किया गया था। इसके साथ ही आपसे पूछेगा भाई RTE का ऑफिशियल नेम क्या है, आधिकारिक नेम क्या है, ऑफिशियल से मतलब आधिकारिक नेम क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। कई बार इनमें अंतर कर देता है, ध्यान रखना। तो आपको एक भी शब्द नहीं भूलना, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका क्या है, नाम है। क्वेश्चन यहीं से पूछ लेगा आपके लिए, हम फालतू की ज्यादा चीजें बता ही नहीं रहे, केवल जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी उन्हीं चीजों पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है RTE राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात, ये कई बार पूछा गया है कितने छात्र पर कितने शिक्षक होने चाहिए, तो ध्यान रखना 30 छात्रों पर, कितने पर याद रख लेना, 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना राइट टू एजुकेशन 2009 में अनिवार्य किया गया कि भाई जहां पे 30 छात्र हैं तो वहां पे कितने टीचर होने चाहिए, एक टीचर जरूर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र और शिक्षक का, ये तो भाई प्राथमिक स्तर पर है, प्राइमरी स्तर पर 30 बच्चे एक टीचर, फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुपात क्या होना चाहिए, तो यहाँ 5 बढ़ा दिए, 35 बच्चों पर एक टीचर। जब आप उच्च प्राथमिक स्तर पर जाते हो साथियों तो वहाँ 35 स्टूडेंटों पर एक टीचर होना कंपलसरी है। प्राइमरी एजुकेशन की बात करोगे तो 30 बच्चों पर एक टीचर होना कंपलसरी है। इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कह रहा है राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, ये मैंने अभी बताया 35:1। फिर कह रहा है शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, यही आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर से क्वेश्चन नहीं पूछता, हम केवल डायरेक्ट हिट आपके लिए दे रहे हैं। तो कह रहा 45 घंटे वन वीक में कितने घंटे पढ़ाना होगा, तो 45 आवर इतना पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस, तो कम से कम कितने कार्य दिवस और कम से कम कितने न्यूनतम घंटे, तो कह रहा 800 घंटे तो ये न्यूनतम है, कार्य दिवसों की बात करें तो 200 कार्य दिवस इंश्योर किए गए हैं। क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है
2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कार्य दिवस, तो ये उच्च शैक्षणिक स्तर पे हैं, वो प्राइमरी पे थे 800 और 200, और उच्च शैक्षणिक स्तर पर बढ़ा करके 1000 और 220 कर दिया गया। ध्यान रखना ये अपर प्राइमरी लेवल है, वो प्राइमरी लेवल था, प्राइमरी लेवल में 800 और 200 दिन 800 घंटे, और यहाँ 1000 घंटे और 220 दिन कर दिया गया बढ़ा करके। वही कह रहा है राइट टू एजुकेशन के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों की भी बात की है इसने, कई बार पूछा है प्राइवेट स्कूलों पे बात किया नहीं की, तो बिल्कुल की है। कह रहा है कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखना जो प्राइवेट मॉडर्न कॉन्वेंट वगैरह ये स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्राइवेट है बड़े बड़े उद्योगपतियों के, वहाँ पर भी गरीबों के लिए 25% सीटों को क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता, मतलब आप निष्कासित नहीं कर सकते। राइट टू एजुकेशन 2009 में लिखा गया कि भाई आप कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को क्या नहीं कर सकते, रजिस्ट्रीकृत नहीं कर सकते, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों, कितने प्राइमरी के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो कह रहा है 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखना 1 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी होती भी नहीं है, इसीलिए हर गांव में इस समय क्या है, विद्यालय हैं। ये राइट टू एजुकेशन 2009 अवेलेबल करता है इस चीज़ को। नेक्स्ट कह रहा है 2009 के अनुसार SMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये भी पूछ लेता है का अध्यक्ष होता है, कौन होता है, तो अभिभावकों में से ही बना देते हैं, जो SMC होती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अभिभावक में से ही किसी एक को क्या कर देते हैं, बना देते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है राइट टू एजुकेशन 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 17 में ये साफ बोला गया है, ना तो आप बच्चे को प्रताड़ित करोगे, टॉर्चर नहीं करोगे, ना ही शोषण करोगे उसका, और साथ ही साथ ना ही कोई पनिशमेंट करोगे, मतलब उसे किसी भी उस पर दंड नहीं दोगे, बशर्त आप समझाओगे उसे, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है राइट टू एजुकेशन 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, जो सरकारी टीचर होते हैं वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, तो ये RTE एक्ट की धारा 28 में ये प्रावधान किया गया है कि गवर्नमेंट टीचर क्या नहीं पढ़ा सकता, ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात क्या होगा, कह रहा अगर स्कूल में 1 से 8 तक के छात्रों की संख्या 200 से ज़्यादा हो जाती है तो आप टीचर और विद्यार्थी के बीच का जो अनुपात है उसे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और कितना चेंज कर सकते हो, तो 40 छात्रों पर एक टीचर वहाँ पर रखा जा सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा RTE के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए, तो वो कह रहा है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, समावेशी मतलब सभी को शिक्षा, समावेशी मतलब सभी को, ठीक है ना। तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में इसने क्या किया, बात की है। नेक्स्ट कह रहा है भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बना था, तो भारत मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा को घोषित करने वाला 135वां देश बना था, याद रखना कितने नंबर का, 135वां देश बना था। तो साथियों जो मैंने पढ़ा है वहीं से आपके लिए क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आपको ज़्यादा इधर उधर तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं कोई नोट्स RTE पर पढ़ने की जरूरत है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अच्छी क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद, प्रजापित अर्ध साथियों।